स्विच खराब करना, ये दो तीन दिन की आदत है परमानेंट। मेरा निवेदन है, बोलते वक्त कोई नारा नहीं लगाएगा, बाद में जितने लगाने हैं आपका माइक लगाते रहे। मैं तो पहले तो जननायक जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और खास तौर पर जींद निवासियों का, आम आदमी पार्टी, लोक स्वराज पार्टी, सर्वेद पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों का आभारी हूं कि इस 50 दिन की रेस के अंदर जो उनका साथ, प्यार और स्नेह मिला, वो अपने आप में दर्शाता है कि आज बीजेपी ने सरकारी तंत्र के मदद से जरूर ये उपचुनाव जीता होगा, मगर आप लोगों ने और अजीत दिग्विजय सिंह ने जीत की जनता का दिल जीतने का काम किया। साथिया, बधाई के पात्र है कि जो लोग हमारी जमानत जब्त करने की बात किया करते थे, उन लोगों की जमानत 6 गुना वोटों से आपने जब्त कराने का काम किया। जो लोग निरंतर एक ही बात कहते थे कि इनने कंडेला कांड करवाया, आज उन लोगों को कंडेला गांव में जवाब देने का काम किया और आपको जिताने का काम किया। जो लोग कहते थे गांव की पार्टी है, आज शहरी वर्ग ने उनको जवाब देकर गांव से फालतू वोट शहर में दिलवाने का काम किया। मैं तो जींद के एक एक नागरिक का आभारी हूं कि आज जींद की जनता ने अजीत दिग्विजय सिंह को 37,500 से ज्यादा वोटों से अपना प्रिय और अपना लाडला चुनने का काम किया। बाय इलेक्शन सरकार का होता है, मगर उस सरकार की आंधी के अंदर भी जो लोग आपको बच्चों की पार्टी, जमानत जब्त पार्टी, पता नहीं किस किस तरह के आरोप आप पे लगाने का उनने काम किया, आज आपकी लगन और मेहनत ने और जींद की जनता के प्यार ने उसको करारा जवाब देने का काम किया। मैं तो एक निवेदन आप सबसे करूंगा, मैं भी पीछे भी बोल रहा था कि साथियों, जब इस पार्क के दरवाजे से बाहर जाओ तो मुंह पे खुशी होनी चाहिए, मुंह पे हौसला होना चाहिए। गम और मायूसी तो जब बनती जब 3,300 पे रुक जाते हैं। आज तो 37,800 वोट आपने लिए, 37,800 वोट 50 दिन में ले लिए। अगर ये हमें 3 महीने और लोकसभा के साथ का चुनाव होता तो शायद हम 50,000 पे भी पहुंचने का काम करते। मैं तो आभारी हूं एक एक बुजुर्ग का, एक एक माता बहन का, एक एक युवा का कि आप लोगों के जो मेहनत थी, लगन थी, बिना थकान के आपने पिछले 23 दिन दिन रात एक कर कर जो शहर के अंदर, गांव के अंदर मेहनत करने का काम किया, उसका नतीजा है कि साबित हरियाणा की जनता को जींद ने कर दिया कि अगर आज सरकार के विरोध में कोई मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी, मगर इसको मजबूती से आगे लेके चलना है, यहां रुकना नहीं। हमारे पास 90 दिन का समय है लोकसभा, हमें सदस्यता अभियान को भी घर घर तक पहुंचाना है, साथियों एक बूथ 10 सीट को भी हर बूथ पर खड़ा करना है और मेहनत और लगन के साथ एक ही निश्चय कर आगे बढ़ना है कि जैसे अर्जुन का लक्ष्य मछली की वो आंख थी, वैसे हमारा लक्ष्य हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाना है। और वो जब भी बनेगी, जब आज से यहां जाता हुआ बाहर जाता हुआ एक एक व्यक्ति कोई भी जींदवासी मिले, उसका हाथ मिलाकर, उसके पांव छूकर उसको बधाई दो, उसका धन्यवाद करो। साथियों, मैं तो ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा,
काम किया है, उसके लिए हमारी पूरी सीनियर टीम आपके बीच में है, इनकी तरफ से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करूंगा इस पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जिनकी 3 दिन की मेहनत के अंदर 36 के 36 गांव और शहर के अंदर हमने प्रोग्राम करने का काम किया। धन्यवाद करूंगा विधायिका श्रीमती नैरे चौटाला जी का, शीला बयान जी का और उनकी टीम का, जिन्हें 17 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक भी दिन का ब्रेक ना लेते हुए प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर की कॉलोनी को कवर करने का काम किया। धन्यवाद करूंगा हमारे इन 100 के साथियों का, जिन साथियों ने मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा, ऐसी कोई दुकान नहीं छोड़ी जहां 2-2, 3-3 बार जाकर वोटों की अपील ना करने का काम किया। और आप लोगों ने साबित कर दिया कि जो लोग आपको रेडी लूटने वाला, हुड़दंगबाजी मचाने वाला कहते थे, आज उनकी दीवार पे आपने ताला लगाने का काम किया। और मैं खास तौर पर अभी कई कैथल के साथी मिले थे, कहते थे मारी तो मौज कर दी, मौज कैथल अलग ही कोनी, ये कई नरवाड़ा वाले भी इनकी भी होगी। 15 साल पुराना हिसाब पूरा हो गया, जब तो 1500 से छोटा था, इस बार 15,000 से पीछे करने का काम किया। और साथियों मेरा एक ही निवेदन है कि जो प्यार, जो मेहनत, जो लगन के साथ आपने संगठन को आज 0 से 37,000 रुपए पहुंचाने का काम किया है, अब आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अगर 1 पे 37 आगे तो 90 पे इसको हम 37 लाख पे ले जाने का काम करें। और 37 लाख पे जब ही पहुंचेंगे, जब कल सुबह चौधरी देवीलाल की जय बोलकर मैदान में उतरकर अपने संगठन को ताकत देने का काम करेंगे। तो भाई थकान हुई नहीं हुई, थकान तो अक्टूबर 2019 में होगी, इतने तो समय थकान का नहीं है, इतने तो मैदान में उतरकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का, अपनी ताकत दिखाने का। मैं तो दोबारा तमाम जींद के नागरिकों का, तमाम वोटर्स का आभार प्रकट करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और यही आग्रह करूंगा कि जींद दिग्विजय सिंह आपके बीच में अपनी भावनाओं को रखने का काम करें, और एक नारा जरूर इस पार्टी के संरक्षक का लगाने का काम करें, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जनायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मान और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के निष्ठावान कर्मठ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सिपाही, सम्मानित पूजनीय बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति माताएं बहने, देश का भविष्य नौजवान साथियों, हमारे साथ मौजूद पार्टी के हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट आदरणीय सरदार निशांत सिंह जी, हमारी पार्टी के नौजवान होनहार सांसद भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी, समस्त नेतागण, समस्त पदाधिकारी साथियों, कार्यकर्ता साथियों, आज आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया, अपनी पार्टी की बुनियाद, वैसे तो लोग कहते हैं कि हमने 9 तारीख को रखी थी, मगर 9 को नहीं, आज लोगों ने, हरियाणा की जनता ने, और हरियाणा की जनता का माध्यम बनी जींद की जनता ने आपकी उस बुनियाद पर मोहर लगाने का काम किया, जब 37,000 वोट लेकर के आपकी पार्टी को इतनी बड़ी मजबूती दी, ताकत दी। मैं यहां सर्वप्रथम सबसे पहले हर जींद के परिवार का, हर घर का, हर गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का, नौजवान युवा साथी का, स्टूडेंट्स का, हमारी माताओं बहनों का, हर व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं समस्त हरियाणा का और पूरी की पूरी पार्टी का
ये आपने मेरा चुनाव समझ के नहीं, हर व्यक्ति ने दिग्विजय समझ करके इस चुनाव को लड़ा, हर व्यक्ति ने दुष्यंत समझ के इसके चुनाव को लड़ा। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। निर्णय को हम आंकड़ों में हारे हैं, मगर दुष्यंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम आंकड़ों से हारे होंगे, मगर हमने लाखों लोगों का दिल जीतने का काम किया है। आज आपके ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, आपके आंकड़े इस बात का सबूत देने का काम कर रहे हैं। आप मान लो होगे नहीं, ये 37,000 वोट यहाँ अपने लिए, वही आज मुझे इस बात का सुकून है कि हमने उन बेगैरत लोगों की जबान पर ताले लगा दिए जो तरह तरह के हमें नाम दिया करते, जो कहा करते थे और जो हमारे पे प्रश्न चिन्ह उठाया करते थे, जिनकी खुद की दुकान तो खाली थी मगर हमारी दुकान की तरफ बुरी नजर से देखा करते थे, आज वो भी लगा दिए कि नहीं। इसलिए कुछ मुझे कह रहे थे कि हौसला रखियो, संघर्ष सदैव सक्षम, और चौधरी देवीलाल जी ने सदैव कहा कि संघर्ष करो, संघर्ष को, मुश्किल को कभी अपने आंखों का आंसू मत बढ़ाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बढ़ाओ और आगे बढ़ते चलो।